फखरपुर ब्लॉक के अमवाते तारपुर ग्राम पंचायत के गोहनिया गांव में बुधवार को गौशाला का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक सुरेश्वर सिंह रहे। विधायक सुरेश्वर सिंह ने आश्रय स्थल का शिलापट्ट से पर्दा हटाकर फीता काटकर लोकार्पण किया। गौशाला के बनने से आसपास के गांवों के 30 से ज्यादा गांव के गौवंश सुरक्षित हो गए। मैसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने गौवंश आश्रय स्थल पर गाय की पूजा कर उन्हें गुड़ व फल खिलाया। विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि लोग अपने गौवंश को छुट्टा न छोड़े, गाय की सेवा करें, उनकी सेवा करने से पुण्य मिलता। विधायक ने ग्रामीणों के गौवंश की सेवा करने का संकल्प दिलाया। ब्लॉक प्रमुख रणवीर सिंह मुन्ना ने कहा कि लोग गौवंश आश्रय स्थल से पालन के लिए गौवंश ले जाएं, सरकार गौपालन के लिए प्रोत्साहन राशि देती है। बीडीओ शैलेंद्र सिंह ने कहा, गौशाला के बनने से आसपास घूम रहे 500 निराश्रित पशु संरक्षित किए जा सकेंगे, इससे किसानों की फसलों की बचत हो सकेगी। जनमानस से तो ये अपेक्षा करते हैं, हमारी सरकार भी अपेक्षा करती है कि हम लोग गौ भक्त हैं, गायों को अपने दरवाजे पर काश्तकार पालने का काम करें, किसान पालने का काम करें। इनको सरकार 1500 रुपये महीने देने का भी काम कर रही है। अगर 3 गाय से ज़्यादा ले जाते हैं तो चरनी भी देने का काम करेगी। बचे हुए सांड जो हैं, जो सांड हैं, उन सांडों की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी से करे पड़ते हैं। जो अलग से जैसे गौशाला बनी है लेकिन चार दिवाली नहीं, तो पक्की चार दिवाली बनवा करके जब केवल सांड ही बचेंगे तो उनका भी अलग से व्यवस्था। जैसा कि डीएम महोदया के द्वारा एक आदेश दिया गया था कि 16 तारीख के अंदर अंदर सारी छुट्टे जानवर गौशाले में होनी चाहिए, वहीं क्षेत्र में अभी गौशाला बनने के बावजूद भी, क्षेत्र में कई गौशाला होने के बावजूद भी छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं क्षेत्र अधिकारियों की या क्षेत्र कर्मचारियों की कहीं ना कहीं शिकायत देखने को मिल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी आपकी गलती है, समाज की गलती है। रोज हम अपने दरवाजे से जानवर छोड़ देंगे तो कितने जानवर अधिकारी कर्मचारी ले जाकर काम करेंगे या गौशाला में काम करेंगे। क्षेत्र के द्वारा